मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, भक्तचरण दास जी, अखिलेश प्रसाद जी, शकील अहमद जी, तारिक अनवर जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका मूड कैसा है? मूड अच्छा है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो वाली विचारधारा और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा, यह लड़ाई है। और इसीलिए आज हम बिहार आए हैं, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो बिहार में है। आपने हमारी भारत जोड़ो यात्रा में बहुत मदद की। हर स्टेट में, अजीब सी बात थी, हर स्टेट में मैं पूछता था कहां से आए हो, कहते थे बिहार से आया हूं। जहां भी जाओ, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, सब जगह बिहार के लोग हमारे साथ चले। बिल्कुल, तो आपने यात्रा में हमारी मदद की, क्योंकि आप विचारधारा को मानते हो और विचारधारा को आप गहरी तरह से समझते हो। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है, और हम नफरत से लड़ते हैं इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। यहां पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए, और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। देखा आपने, तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे ही कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना, देश का पूरा धन उनके हवाले करना। कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना, गरीबों के साथ मिलना, गले लगना और गरीबों के लिए काम करना। आप यहां आए, प्यार से आए, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहां ले जाना चाहता हूं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कोई भी दूसरा प्रदेश हो, आप हमारे बंपर शेर हो, आप हमारी विचारधारा के निवासी हो, आप हमारी विचारधारा के
कांग्रेस पार्टी का काम है हम सबका नेताओं का